हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 11 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 12, विराम चिन्ह। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को बड़े ही ध्यान से। पाठ 12, विराम चिन्ह। तो बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं? जब भी हम वाक्य पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमें बीच में रुकना पड़ता है। तो जो भी हम रुकने के लिए प्रयोग करते हैं चिन्ह, वो कहलाते हैं हमारे विराम चिन्ह। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो प्राय हमें बीच बीच में कभी थोड़ी देर तो कभी कुछ ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है। अपनी बात के बीच में इस रुकावट को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इस रुकावट को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो बच्चों क्या, जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें हमें वाक्यों में रुकना पड़ता है। तो जो भी रुकने की जगह हम प्रयोग करते हैं चिन्ह, वो कहलाते हैं हमारे विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। आइए बच्चों देखते हैं। पहला है अल्पविराम। अल्पविराम का मतलब होता है जो हम ऐसे करके लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्पविराम। लिखते समय बहुत कम समय की रुकावट प्रकट करने के लिए अल्पविराम लगाते हैं, जैसे राम, अल्पविराम श्याम और रोहन बाजार गए हैं। अमन, अल्पविराम जरा इधर आओ। जब भी हम लिखते हैं तो उसमें जो भी हल्की सी या यानी कि बहुत कम समय के लिए रुकावट आए तो हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ हमने उदाहरण में आपको बताया है। दूसरा है अर्धविराम। जब हमें अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय के लिए रुकावट प्रकट करनी होती है तब अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, जैसे सूरज निकला, उजाला हुआ और चिड़िया उड़ने लगी। अर्धविराम कौन से होते हैं चिन्ह बच्चों? जब हम अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रुकते हैं वाक्य में। तो जब हम ज्यादा रुकते हैं तो हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने आपको उदाहरण में बताया है। दूसरा देखते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम में क्या है? साधारण वाक्य तथा आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे किसान फसल की सिंचाई कर रहा है पूर्ण विराम, शांति से बैठिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कौन से होते हैं? जो साधारण वाक्य और होते हैं या आज्ञा वाचक वाक्य, तो उसमें हम लगाते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या? वाक्य के अंत में लगाते हैं, जैसे अभी हमने आपको उदाहरण में बताए हैं। चौथा देखते हैं। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है प्रश्न सूचक चिन्ह, तुम कहाँ रहते हो प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह कौन से होते हैं बच्चों? जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है वाक्य में तो हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण में आपको बताया है। पांचवा आता है हमारा विषम्य सूचक चिन्ह। तो विषम्य सूचक चिन्ह विषम्य, हर्ष, शोक आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए विषम्य सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे वाह क्या बात है, भगवान आपको दीर्घायु करे। विषम्य सूचक कहाँ लगाते हैं चिन्ह? जब हमें वाक्यों में क्या दिख रहा हो कि हर्ष हो रहा है, शोक हो रहा है, यानी कि वाक्यों में भाव प्रकट हो रहे हों, तब हम विषम्य सूचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे हमने आपको उदाहरण में बताया है। अब देखते हैं छठा, कोष्टक। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण हमने यहाँ पे ये लगाए कोष्टक और लिखा बोलना जीभ और कंठ से होता है। मतलब कि जब भी हम किसी शब्द का अर्थ बताएं, मतलब उसी वाक्य में, जैसे कि यहां हमने उदाहरण में क्या बताया, उच्चारण। उच्चारण का अर्थ क्या है? बोलना। तो हमने अर्थ को साथ में ही बताया वाक्य के, तो तब हम क्या करते हैं, ये कोष्टक का चिन्ह बनाते हैं और उसका अर्थ लिख देते हैं।
तो ये हुआ हमारा कोष्टक चिन्ह। सातवां देखते हैं निर्देशक। निर्देशक क्या है? जब किसी बात का विवरण आगे दिया गया हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे चतुर्वेदी चारों वेदों। निर्देशक चिन्ह यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के ज्ञाता को कहते हैं। निर्देशक चिन्ह क्या होता है बच्चों? कि जब भी हम किसी बात को कह रहे हो और उसका हमें पूरा विवरण देना हो तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह, जैसे अभी हमने आपको उदाहरण में बताया है। आठवां होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है? इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे दिन रात, भाई भाई, थोड़ा थोड़ा आदि। योजक चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे हम दो शब्द बता रहे हो कोई, या हम दो युग्म बता रहे हो, जैसे अभी हमने उदाहरण में बताया दिन रात, तो दो शब्द या दो युग्म हो गए, तो इसलिए हम उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। नौवा है उद्धरण। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है, जैसे नेहरू जी ने कहा था, उद्धरण चिन्ह लगाया, आराम हराम है, और उद्धरण चिन्ह हमने बंद किया। उद्धरण चिन्ह कैसे लगाते हैं बच्चों? कि जैसे जो भी पुराने लोग या कोई भी कहावत या किसी नेता जी की कोई भी बात जो ऐसी स्पष्ट यानी कि सटीक बातें होती हैं जिनको हम जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं, तो उसमें हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको उदाहरण में बताया। इसमें क्या भी होता है कि जब भी हम बताएंगे वो लिखेंगे तो उद्धरण चिन्ह कैसे लगाएंगे? पहले तो वो खुलेगा और बाद में वो बंद भी होगा, इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। दसवां देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे इसवी को हम क्या लिख देते हैं? बड़ी ई और उसके ऊपर छोटा सा शून्य, शून्य मतलब लाघव चिन्ह। वो आपको बताने के लिए बताया गया है कि हम एक छोटा सा गोला बना देते हैं, वही गोला क्या कहलाता है? हमारा लाघव चिन्ह। तो जैसे पंडित लिखा तो पंडित को हम छोटे रूप में यानी कि संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं? पै के ऊपर बिंदी और लाघव चिन्ह। ऐसे डॉक्टर हमने लिख के बताया, डॉक का डे पे आकरडंडा ऊपर आधा चंद्र और हमने उसके साथ क्या लगाया? लाघव चिन्ह। तो जब भी हमें शब्दों को संक्षिप्त रूप में प्रयोग करना हो तो हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। अब देखते हैं बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा वाक्य के वास्तविक भाव को समझाने के लिए तथा कहीं रुकने के लिए जिन संकेतों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वही जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं वाक्य, उसमें हमें रुकने की जरूरत होती है, तो वो जो भी हम वहां पे चिन्ह लगाएंगे वो कहलाते हैं हमारे विराम चिन्ह। अब बच्चों इसके बाद यानी कि इसके आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए देखते हैं, अब बताइए में क्या प्रश्न है हमारा? सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें क्या है? एक प्रश्न है, उसके चार उत्तर हैं, जो एक उत्तर सही है वो हमें आपको बताना है। पहला देखते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह है। अब इसमें एक चिन्ह हमें पूर्ण विराम का बताया, एक प्रश्न सूचक का बताया, एक हमें किसका बताया? एक हमें बताया निर्देशक का, और चौथा हमें बताया अल्प विराम का। तो पूर्ण विराम क्या है? पहला, यानी कि पूर्ण विराम का चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं जो हमारा पहला उत्तर है, ये हमारा हुआ उत्तर। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं अल्प विराम का, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो किसका प्रयोग करते हैं हम संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए? लाघव चिन्ह का। बच्चों अब हमारा यहीं पे पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को विराम चिन्ह पाठ 12 का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और
हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।